Jai Hind and a very warm welcome to Civil Stap. In today's session, we are going to talk about what will be the implications of the recent repo rate hike by the Reserve Bank of India. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आप सबने बात की होगी, आप सबने सुना भी होगा कि अभी रिसेंटली फिर से आरबीआई ने रेपो रेट हाइक कर दिया है, बट इसका इंपैक्ट क्या होगा एंड क्या ये आखिरी हाइक है, ये सिक्स्थ स्ट्रेट रेपो रेट को हाइक किया है रिजर्व बैंक ने. इन्फ्लेशन को लेके अभी भी आरबीआई कह रहा है कि वी आर यू नो नॉट वेरी मच श्योर कि इन्फ्लेशन जो है वो आगे नीचे आई जाएगी, इसीलिए जरूरत अभी है कि वी कंटिन्यू आवर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू कंटेन इन्फ्लेशन. तो इन्हीं सब पहलुओं को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बनी रहेगा टिल दी वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने अभी 25 बेसिस पॉइंट से जो है रेट बढ़ाते हुए 6.25 था पिछला रेट, जिसको इंक्रीज करके कर दिया 6.5%. साथ ही साथ रीजन दिया गया कि भाई इन्फ्लेशन जो है मॉडरेट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है कि इन्फ्लेशन को लेके हम कुछ रियायत बरत सकें या फिर रेट्स को होल्ड करें या फिर रिड्यूस करें, जिसका नतीजा देखने को मिला कि रेट्स को फिर से इंक्रीज किया गया. ग्रोथ को लेके सिक्स मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह कहा कि हमारा जो प्रोजेक्शन है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, दैट इज एट 6.4%, विच मींस दैट ग्रोथ को लेके अभी आरबीआई जो है उतना कंसर्न नहीं है जितना इन्फ्लेशन को लेके इट इज स्टिल प्रीटी मच कंसर्न. ऑल्सो स्टैंड की अगर बात करें कि क्या स्टैंड था कमेटी का, तो कमेटी ने साफ साफ कहा कि देखिए अभी हम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टैंड को ही जो है साथ में लेके चल रहे हैं. विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टेटस का सिंपल सा मतलब हो गया, या अकोमोडेटिव स्टैंड का मतलब हुआ कि अभी आप कोई भी रेट कट जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी रेट कट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. दैट इज मेंट बाय विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टैंड. इसके साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का व्यू था वो ये था कि फर्दर अभी हमें कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी जरूरत है. इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी रेट्स को लेके ऐसा समझिए कि आरबीआई कट करने की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा, फ्यूचर में हो सकता है कि होल्ड किया जाए इनको, राइट. रीजन के परसिस्टेंस ऑफ कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन में देखिए हम यहाँ पे साफ साफ बात समझते हैं कि कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि हमारी फूड एंड फ्यूल आर्टिकल्स को अगर हम छोड़ दें तो बचे हुए आइटम्स को जब हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन. इफ कोर इन्फ्लेशन इज हाई, दैट मींस कि बहुत वोलेटाइल आइटम्स जो कि फूड एंड फ्यूल आर्टिकल्स हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन में दिक्कत नहीं है, बट अदर आइटम्स आर यू नो हैविंग इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्राइसेस, जो रीजन आरबीआई बोल रहे हैं कि अभी हमें चाहिए इनको हम कोर इन्फ्लेशन को भी नीचे लेके आए. इसके साथ साथ अनप्रीसिडेंटेड इवेंट्स हैं पिछले 3 सालों के, जिनका रिजल्ट ये रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो दुनिया भर में अलग अलग बैंक्स बनाते हैं उन सभी ने रेट्स को हाइक किया. रेट्स जब यूएस के फेडरल रिजर्व ने भी हाइक करे, बाकी कंट्रीज ने भी हाइक करे, उसका रीजन क्या देखने को मिला या उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे इंडिया है, यहां से लोगों ने मनी विड्रॉ करके रिलेटिवली उन कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जहां पे रेट्स बेटर थे, जहां पे रिटर्न बेटर थी. लेकिन सिर्फ रिटर्न का कंसर्न नहीं है, जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी के कारण जो स्टेबल मार्केट्स मानी जाती हैं, सबसे स्टेबल सबसे सेफ मार्केट यूएस माना जाता है, तो सभी तरफ से कह लीजिए इमर्जिंग मार्केट्स में से लोगों ने पैसा अपना विड्रॉ किया एंड कैपिटल फ्लाइट हुआ टूवर्ड्स द सेफेस्ट डेस्टिनेशन दैट इज कंसिडर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. So, emerging markets are facing sharp trade-offs between supporting economic activity and controlling inflation while preserving policy credibility. कि भाई हमें एक तो growth को भी hurt नहीं करना है long term, अगर short term, medium term, सारी growth की बात की जाए, but साथ साथ आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार का भी जो है calculation दिमाग में रहता है while RBI formulates its monetary policy. और इसके साथ साथ देखिए smaller rate hike can be attributed to softening of retail inflation. कि इस बार जो सिर्फ 0.25 के जो यहां बात हो रही है कि हमारा जो रेट का हाइक रहा है वो कितना रहा है 0.25 या फिर 25 बेसिस पॉइंट्स, कि पहले हमने देखा है 0.35 या 0.5 बेसिस पॉइंट्स के भी कई बार जो है आरबीआई ने हाइक्स किए हैं, लेकिन यहां पे इट वाज ओनली 25 बेसिस पॉइंट्स. इसका मतलब यह है कि कुछ इन्फ्लेशन जो है आई है उसका फायदा यहाँ पे हमें मिला कि रेट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गए, क्योंकि देखिए रेट्स बढ़ने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी ईएमआई जो है ना वो महंगी हो जाएंगी,
आपके लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, आपकी जेब से ज्यादा पैसे जो है वो निकलेंगे अपने ईएमआईस को फुलफिल, अपने ईएमआईस को रीपे करने के लिए। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हुआ है ना, और साथ साथ यूएस फेडरल रिजर्व ने भी जो उनका सेंट्रल बैंक है इट ऑल्सो मॉडरेटिंग द पेस ऑफ इंक्रीज इन इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, कि उनके उधर भी कुछ चीजें बेटर हुई जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट उन्होंने भी मॉडरेट करा, राइट। सो दिसंबर में लास्ट टाइम द रिजर्व बैंक हैड रेस द रेपो रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है, इससे पहले 50 बेसिस पॉइंट्स के हाई थे। इसके साथ देखिए, अगर थोड़ा स्टैटिक को फटाफट रिवाइज करें कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो मई 2016 में आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, इसको अमेंड किया गया था। क्यों अमेंड किया गया था? ताकि स्टैट्यूटरी बेसिस, लीगल बेसिस प्रोवाइड किया जा सके फॉर इंप्लीमेंटिंग द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क 4% प्लस माइनस 2%। इसके साथ साथ अंडर सेक्शन 45ZA द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई के साथ सलाह मशवरा करके डिटरमिन करती है कि कितना जो है इन्फ्लेशन टारगेट को हमने रखना है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये हर 5 साल बाद नोटिफाई किया जाता है। अभी सेकंड टाइम के लिए 4 ± 2% को ही कंटिन्यू किया है जो पहले ओरिजिनली भी डिसाइड किया गया 2016 में। साथ ही साथ एक और सेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 45ZB। ये क्या कहता है कि जो भी 6 मेंबर की ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये किस बेसिस पे सेट की गई है? सेक्शन 45ZB मतलब कि इट इज अ स्टैट्यूटरी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? स्टैट्यूटरी कमेटी है, लॉ में हमने डिफाइन किया है इस चीज को। और एक जो इंटरेस्टिंग बात है इसका ध्यान रखना जरूरी है आपको, कि अभी जो है हमने ये भी देखा कि फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट, कि हम जो बात कर रहे हैं 4% प्लस माइनस 2% की, कि 2% से लेके 6% के बीच में अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फेल होती है कंटेन करने में इन्फ्लेशन को, देन इट विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। लेकिन 3 consecutive quarters मतलब स्ट्रेट 9 months के लिए, कि कोई भी 3 quarters हो सकते हैं वो, लेकिन वो 3 consecutive quarters हैं जहां पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं वो इन्फ्लेशन को इस ब्रैकेट में नहीं रख पा रहे हैं, 2% लोअर लिमिट 6% अपर लिमिट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मोर और लेस, मोर देन 6% और लेस देन 2%, राइट। सो दैट इज सम ब्रीफ विद रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। देन इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट के अभी एज अ जनरल रूल आरबीआई जो है मोर कंसर्न्ड अबाउट कंटेनिंग इन्फ्लेशन एंड रेजिंग द इंटरेस्ट रेट। अगर देखो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि रेपो रेट को इंक्रीज किया है। रेपो रेट को इंक्रीज करने का मतलब है मार्केट में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ी कम होगी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सप्रेस होगी, लेकिन एक बार महंगाई जो है वो काबू में आ जाएगी, राइट। इसके साथ साथ देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी है एसेंशियली दैट डील्स विद द सप्लाई एंड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, और यू कैन से ऑफ लिक्विडिटी और मनी इन एन इकोनॉमी। बेसिकली इसी मनी के सप्लाई को ऊपर या नीचे करके आरबीआई जो है कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। देन आरबीआई एमपीसी बाई मंथली, या फिर आप कह सकते हैं हर 2 महीने में ये एमपीसी मीट करके जो है डिक्लेयर करता है कि क्या क्या इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन चल रही है, और उसके हिसाब से रेट्स को, रेपो रेट को, बेंचमार्क पॉलिसी रेट को ये इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द स्टांस विच इज डिक्लेयर्ड बाय द रिजर्व बैंक। ये साथ ही साथ क्या डिक्लेयर करते हैं कि हमारा स्टांस क्या है, जैसे अभी स्टांस क्या बोला, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टांस, कि अभी हम कुछ भी रेट कट नहीं करेंगे, फ्यूचर में आप ये हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर अब आगे क्या सोच रहा है आरबीआई, क्या चल रहा है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स के दिमाग में, इंक्लूडिंग द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अभी गवर्नर दास जो है उनका स्टांस थोड़ा सा हॉकिश लग रहा था। हॉकिश का मतलब ये हुआ कि अभी रेट्स को लेके बहुत ज्यादा वो कट करने के मूड में नहीं लग रहे हैं, एंड ही फ्लैग्ड कंसर्न्स ऑन हाई कोर इन्फ्लेशन, प्रोजेक्टिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन एट 5.3% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। देखो 5.3% स्टिल इट इज 1.3% अबव 4%, ये 4% के नंबर से ये ऊपर ही है नंबर अभी, ठीक है, 6 से नीचे आ गया है, दैट इज अग्रीड, लेकिन 4 से ऊपर ही चल रहा है अभी। Then he also displayed a non-committal stance and said he will weigh all incoming data and forecast to determine appropriate actions and policy stance.
कि शायद जो है आप आगे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रेट्स को इंक्रीज नहीं किया जाएगा, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रेट्स कट कर दिए जाएंगे। तो हो सकता है होल्ड किया जाए इसी 6.5% पे रेपो रेट को, राइट, लेकिन कट करना अभी ये एक्सपेक्ट करना कि कट किए जाएंगे रेट्स, दैट विल बी टू अर्ली टू प्रेडिक्टेड। देन सम इकोनॉमिस्ट्स, हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट का क्या मानना है, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि अगर हम देखें जो इस वक्त समय चल रहा है, दैट इज राइप फॉर अ चेंज ऑफ स्टांस। चेंज ऑफ स्टांस कहां से कहां तक, फ्रॉम विड्रॉल टू न्यूट्रल। कि अब जो है आप विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल पे आ जाइए, मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में रेट्स जो है हम ये उम्मीद ना करें कि इंक्रीज करेंगे, हम ये बता दें मार्केट को कि फ्यूचर में रेट्स जो है वो इतने ही होल्ड किए जाएंगे, दे विल नॉट बी इंक्रीज्ड, मे बी दे यू नो फ्यूचर में मे बी वी कैन डिक्रीज देम, पर आप स्टैंड जो है उसको अब न्यूट्रल करने का समय आ गया है। सो दैट इज वॉट दी यू नो वेरियस इकोनॉमिस्ट या फिर कह लो मार्केट से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं। इंडिकेशंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो मार्केट के लिए भी ऑपरेट करना मुश्किल होता है, लिक्विडिटी जो है वो रिड्यूस कर रही है, आपके जो ईएमआईज हैं या फिर जो आपके लोन का कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में ग्रोथ सेंटिमेंट्स हो सकता है डैम्पन हो, ग्रोथ सेंटिमेंट्स यू नो दे माइट डैम्पन इन द अपकमिंग फ्यूचर अगर हम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टैंस के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। So that precisely is what has happened with respect to the RBI's Monetary Policy Committee meeting. इसके ऊपर हमें भी monitor, हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि future में आगे कैसे चीजें चल रही हैं, because इसका सीधा सीधा concern आपकी growth के साथ है, right? चलिए, so आज के लिए इतना ही, I'll see you in some another next informative video. Until then, all of you stay safe, study well. Jai Himachal, Jai Hind, Jai Bharat, bye bye and take care.